हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आप सबका यूट्यूब चैनल द ब्लॉक कोड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए कि सभी लोग इसको देख सकें और मस्त उसको लुत्फ़ उठा सकें। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपको पता था डोनाल्ड ट्रंप आए थे 24 फेब को और अब वो जा चुके हैं अपने वापस यूएस। तो हम आपको उसके बारे में बताना चाहते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, मोटेरा स्टेडियम, जिसे हम सरदार पटेल स्टेडियम भी कहते हैं, वो इनॉग्रेट हो चुका है। तो उसके हम कुछ फीचर्स बताना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम में क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया है जिसको, और आगे चल के इसमें बेहतरीन मैचेस होने वाले हैं। और इसका इनॉग्रेशन हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कल 24 फरवरी को। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या इसके महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो एकदम अलग बनाता है और वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम बनाता है। तो गाइस, आपको बताते हैं जो हमारा मोटेरा स्टेडियम, जिसको हम सरदार पटेल स्टेडियम कहते हैं, उसका ओनर कौन है। ओनर जो है हमारे वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है, जिसमें 63 एकड़ में ये क्रिकेट स्टेडियम फैला हुआ है। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी आपको बता दूं कि 1,10,000 से लेके 1,25,000 के बीच में सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है। सिर्फ बैठने की इतनी व्यवस्था है, तो मान लीजिए खड़े होने के तो अलग ही है। और इसमें जो सीट्स हैं बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही रिलैक्स सीट बनाई गई हैं। इसकी जो कॉस्ट पड़ी हुई है, जिस कितना खर्च हुआ है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। 700+ करोड़ खर्च हो चुका है इसमें। और इसको कंस्ट्रक्ट किया है एलएनटी ने। एलएनटी का फुल फॉर्म है गाइस लार्सन एंड टूर्बो। तो एलएनटी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है और इसको इनॉग्रेट तो आपको मैं बता ही चुका हूँ डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया है, जिसका इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। ऑन 24 फरवरी को जो था वो इनॉग्रेट हो चुका है। तो आइए हम इसके फीचर्स जानते हैं, क्या इसमें महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जो हमारे स्टेडियम को और महत्वपूर्ण बनाता है। तो हमारे इस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 3 प्रैक्टिस ग्राउंड्स भी हैं गाइस। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, 50 रूम्स हैं, 4 ड्रेसिंग रूम्स हैं, 3D प्रोजेक्टर थिएटर है, पार्किंग एरिया दिया गया है काफी बड़ा, जिसमें 3,000 कार्स आराम से आ सकती हैं और 10,000+ बाइक्स आराम से स्टैंड हो सकती हैं। और स्काई वॉक भी बनाया गया है कि आपको पैदल चलने में के लिए स्काई वॉक, जैसे आपने दिल्ली में प्रगति मैदान में देखा होगा स्काई वॉक, वैसे ही सेम टू सेम आपका क्रिकेट स्टेडियम के पास भी स्काई वॉक बनाया गया है। और बताए इतना महत्वपूर्ण, इतना बहुत ही अच्छा इसको बनाया गया है, काफी पैसा खर्च हुआ है इसमें। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है मोटेरा, जो अहमदाबाद में है। और इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से ये जाना जाता है। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने मिलके इसका इनॉग्रेशन किया हुआ है। और काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी और उनको काफ़ी पसंद भी आया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। यही जानकारी मुझे आपको देनी थी मोटेरा स्टेडियम के बारे में। तो अच्छा हुआ आपने सुन लिया है। तो क्या पता इसके बारे में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको यूपीएससी में या आपके बैंकिंग के रिलेशन एग्जाम में, एसएससी के पेपर में। तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय और नमस्ते इंडिया, नमस्ते ट्रंप। तो मिलते हैं बहुत जल्द और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।